हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं साम्यावस्था, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था केमिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ में बोलते हैं कि सर ये हमसे ना हो पाएगा। तो बच्चों यकीन रखिए, ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, और आप हमेशा बोलेंगे कि साम्यावस्था हाँ मैं कर सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं साम्यावस्था होता क्या है। अब साम्यावस्था समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं, अभिक्रिया या प्रक्रम या रिएक्शन जो होती हैं बच्चों, वो दो प्रकार की होती हैं। एक अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय, जिसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। दूसरी होती है उत्क्रमणीय, जिसको रिवर्सिबल बोलते हैं। अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल अभिक्रिया को हम लोग एक पूर्ण तीर से दिखाते हैं, एक पूरा तीर बनाते हैं। लेकिन जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उनको हम दो आधे विपरीत दिशा में तीर बना के प्रदर्शित करते हैं। आपको याद आ गया होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं केवल अग्र दिशा में गति करती हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में गति करती हैं वो कहलाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और दूसरी होती है बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो अग्र तथा पश दिशा में गति करती है, यानी दोनों दिशा में गति करेगी। तो आइए उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दो उदाहरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो तीर बना हुआ है उसकी दिशा केवल फॉरवर्ड है, अग्र दिशा में वो दिख रहा है, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि ए से बी बन सकता है लेकिन बी से ए कभी भी नहीं बनेगा। क्या ये आपको स्पष्ट है? यहाँ पे देखिए ए से बी भी बन सकता है और बी से ए भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया दोनों दिशा में गति करती है। ये देखिए ए से बी और बी से ए, तो क्लियर हुआ आपको ये? तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशा में गति कर सकती हैं, अग्र दिशा में भी और पश्च दिशा में भी। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जो केवल अग्र दिशा में गति करती हैं। आइए अब जानते हैं साम्यावस्था। किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जब अग्र अभिक्रिया व पश्च अभिक्रिया की दर समान हो जाती है। क्या ये आपको क्लियर है? पहली बात तो ये है कि बच्चों साम्यावस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही स्थापित होगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में स्थापित नहीं होगी, केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ये स्थापित होता है। अब बात यह है कि कब आता है साम्यावस्था? जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र दिशा और पश्च दिशा दोनों, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट या दर बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को समस्या आ रही होगी कि सर दर या रेट क्या होता है। बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं कि इस रिएक्शन के अंदर ए से बी बनने में जो दर होगी वह यह प्रदर्शित करेगी कि ए किस स्पीड से बी में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात किसी अभिक्रिया की दर वह स्पीड होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभिकारक किस स्पीड से उत्पाद में परिवर्तित होता है। यहाँ पे उदाहरण लिया हुआ है, आर जो है वो रिएक्टेंट है, पी हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो ये अग्र दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, इस अभिक्रिया का जो रेट होगा, दर होगी, उसको हम लिखेंगे आर एफ, और जो बैकवर्ड पश्च दिशा में जो रिएक्शन की दर होगी यानी पी से आर बनने की दर को दिखाएंगे हम आर बी। क्लियर हुआ? जो आर से पी बनने की जो दर होगी, रेट होगी, उसको आर एफ यानी फॉरवर्ड रेट, और जो पी से आर बनने की दर होगी उसको बोलेंगे बैकवर्ड रेट। क्या आपको क्लियर है? और जिस अवस्था में, जिस समय आर एफ और आर बी इक्वल हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, वह अवस्था कहलाएगी साम्य अवस्था। तो यही आपको परिभाषा में समझाने का प्रयास किया था कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में वह बिंदु, वह स्थिति, वह समय जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट या दर समान हो जाती है वह अवस्था कहलाती है साम्यावस्था। तो क्लियर है आपको साम्यावस्था? स्टार्टिंग में ये कितना होगा, मान लो इस जब आप रिएक्शन शुरू कर रहे हैं तो ये 100% होगा, ये कितना होगा 0% होगा, लेकिन समय के साथ में जब अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी तो इसकी मात्रा घटती जाएगी। मान लो एक समय ये 90% हो गया तो पी कितना बन जाएगा? सर पी बन जाएगा 10%। और मान लो एक समय ये हो गया 50 तो ये भी हो जाएगा 50, और ये
अवस्था ही कहलाएगी साम्य अवस्था। अब इसको ग्राफ की सहायता से स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक्स पे लिया हुआ है कंसंट्रेशन या सांद्रता, एक तरफ लिया हुआ है हमने समय या टाइम। तो आप देखिए यहाँ पे सांद्रता अधिकतम है और यहाँ पे सांद्रता शून्य है, जीरो है। जब समय कितना होता है, जब समय हमारा यहाँ पे जीरो होता है तब सांद्रता किसके अधिक होगी, बिल्कुल सही, रिएक्टेंट की प्रारंभ में 100% थी लेकिन पी की हमारी जीरो थी। तो ये जो पॉइंट है ये प्रोडक्ट के लिए होगा और ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे है ये रिएक्टेंट के लिए होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, समय आगे बढ़ेगा, रिएक्टेंट की मात्रा कंसंट्रेशन घटनी शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के परिवर्तन की दर जो है वो समान हो जाएगी। यानी देखिए यहाँ पे इस बिंदु के बाद ना पी की मात्रा बढ़ रही है सांद्रता और ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या सांद्रता घट रही है, वो निश्चित हो गई है, फिक्स हो गई है, समय बढ़ रहा है लेकिन इनकी सांद्रता बिल्कुल नियत रहती है। पी भी देखिए नियत हो गया है और रिएक्टेंट भी नियत हो गया है। यहाँ पे देखिए चाहे इस समय पे देखिए कितना भी आगे जाके देखिए ये मात्रा बदलती नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। तो यहाँ पे इस समय पे जो ये आप देख रहे हैं कि इस समय पे जो ये बिंदु आप देख रहे हैं ये साम्य अवस्था को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इस समय के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? और ये कब होगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, अर्थात जिस दर से आर पी में बदलेगा उसी दर से पी आर में बदल जाएगा। तो ये अवस्था कहलाती है साम्य अवस्था। अब एक दूसरा ग्राफ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स पे हमने रेट लिया हुआ है, दर लिया हुआ, और एक एक्स पे हमने लिया हुआ है समय या टाइम। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो दर है वो अधिकतम है और यहाँ पे दर जो रेट है वो न्यूनतम है। तो आप देखिए कि समय जैसे हम आगे बढ़ते हैं, समय बीतता है तो कर्व है ये जो कर्व है ये नीचे की ओर, ये वाला कर्व जो है ऊपर की ओर गति करेगा। आप बताइए कि रिएक्शन में किसका रेट हाईएस्ट होगा शुरू में, सर फॉरवर्ड रिएक्शन का, क्योंकि रिएक्टेंट की मात्रा 100% रहती है और प्रोडक्ट हमारा जीरो होता है। तो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो तेजी से घटता है और समय के साथ में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता है। और एक बिंदु पर जाने के बाद दोनों अभिक्रिया यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट या दर जो है वो समान हो जाती है। तो ये अवस्था कहलाती है साम्य अवस्था। क्लियर हुआ? साम्य अवस्था के प्रकार, बच्चों साम्य अवस्था के प्रकार दो होते हैं, क्योंकि अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक उसी प्रकार भौतिक साम्य अवस्था और रासायनिक साम्य अवस्था होती हैं। भौतिक साम्य अवस्था को फिजिकल इक्विलिब्रियम और रासायनिक साम्य अवस्था को केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। भौतिक साम्य अवस्था वह अवस्था होती है जो किसी भौतिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में स्थापित होती है, और रासायनिक साम्य अवस्था वह अवस्था होती है जो किसी रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में स्थापित होती है। सर क्लियर नहीं हुआ? अब यहां पे लिया हुआ है पहला ठोस साम्य अवस्था में द्रव के साथ, यानी दो अवस्थाएं एक साथ मिलेंगी, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। इसका उदाहरण हमने लिया है H2O सॉलिड साम्य अवस्था में है, H2O लिक्विड के साथ। अब बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि जो जल है उसको आप दैनिक जीवन में डेली लाइफ में तीन रूप में प्रयोग करते हैं, H2O लिक्विड यानी कि जो H2O जल के रूप में होता है, H2O सॉलिड यानी बर्फ के रूप में, और H2O गैस यानी जल वाष्प के रूप में। अब यहाँ पे दो अवस्थाएं जल की एक साथ विद्यमान रहेंगी, एक रहेगा H2O सॉलिड और एक रहेगा H2O लिक्विड। अब ये साम्य अवस्था में कैसे रहेगा कि यहाँ पे इस बौद्धिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है, अग्र दिशा में यानी फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, ठोस बदल रहा है लिक्विड में, और बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ अगर चलते हैं तो लिक्विड बदल रहा है हमारा सॉलिड में। यानी कि अग्र दिशा में हो रहा है बर्फ का पिघलना और पश्च दिशा में हो रहा है पानी का जमना। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ पिघलने की दर बराबर हो गई है जमने की दर, और वह अवस्था बच्चों इस अभिक्रिया में जब पिघलने की दर, बर्फ के पिघलने की दर जल के जमने की दर के बराबर हो जाएगी तो हम कह पाएंगे कि इस अभिक्रिया में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो गया है, अर्थात साम्य अवस्था स्थापित हो गई है। तो क्लियर है आपको? अब सवाल ये है कि क्या सर हम इसको प्रैक्टिकल करके घर पे देख सकते हैं? तो इसका उदाहरण है हाँ, हाफ थर्मस फ्लास्क में ऐसा कर सकते हैं।
दूसरा उदाहरण है आपका द्रव और गैस साम्यावस्था। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो अवस्थाएं एक साथ विद्यमान होंगी। कैसे होंगी, उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं आपको। यहाँ पे जो हमने उदाहरण लिया हुआ है H2O लिक्विड साम्यावस्था में है H2O गैस के साथ, तो यहाँ पे सर दो क्रियाएं हो रही हैं। H2O अग्र दिशा में, ये अभिक्रिया जब अग्र दिशा में जाती है तो H2O द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, और जब ये अभिक्रिया पश्च दिशा में यानी बैकवर्ड पीछे की ओर जाती है तो H2O गैस बदल जाता है लिक्विड में। आप जानते हैं कि द्रव का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण, और गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। अर्थात यहाँ पे दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वाष्पीकरण और बैकवर्ड डायरेक्शन में संघनन। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें साम्यावस्था कब आएगी, तो आप जानते हैं कि सर साम्यावस्था इस अभिक्रिया में तब आएगी जब दोनों तरफ की अभिक्रियाओं की दर बराबर हो जाएगी। सर कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वाष्पीकरण और संघनन। तो आइए जानते हैं, वाष्पीकरण की दर बराबर हो गई है संघनन की दर, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड, अर्थात यह अवस्था कहलाएगी, बिल्कुल सही, साम्य अवस्था। तो यहाँ पे ये जो आपने दो उदाहरण देखे हैं, ये वाला और ये वाला, ये हमारे भौतिक साम्य अवस्था के उदाहरण है, क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के केमिकल फॉर्मूले सेम है। क्या ये आपको क्लियर है? अब लेते हैं रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे है, तो आप जानते हैं कि इसमें अभिकारक और उत्पाद के केमिकल फॉर्मूले अलग हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे N2H2 है, यहाँ पे अमोनिया है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यहाँ पे देखिए PCl5 गैस बदल रहा है PCl3 गैस और Cl2 में, और तो यहाँ पे दो अभिक्रियाएं हो रही हैं। बच्चों आप देख पा रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, एक अग्र दिशा में और दूसरी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देखिए कि अग्र दिशा में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे विघटन है बच्चों, यहाँ पे विघटन हो रहा है। किसका विघटन हो रहा है सर, PCl5 टूट रहा है, ठीक है। और PCl3 और Cl2 क्या हो रहा है सर, जब ये बैकवर्ड जाता है तो उनका संयोजन होता है, यहाँ पे इनकी क्रिया होती है, तो संयोजन बोल सकते हैं। तो विघटन की दर अगर बराबर हो जाती है संयोजन की दर के, तो वह अवस्था कहलाएगी साम्य अवस्था। क्या ये आपको क्लियर है? तो अगर दिशा की दर क्या है सर, विघटन की दर होगी। बैकवर्ड की दर क्या होगी सर, संयोजन की दर होगी। और जब ये बराबर होगी तो आप बोल पाएंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, अर्थात इस अभिक्रिया में आ गया है साम्य अवस्था। अब यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण लिया हुआ है, तो इसमें N2 और H2 का संयोजन होता है अग्र दिशा में, तो बनता है अमोनिया, और जब अमोनिया का पश दिशा में बैकवर्ड जाते हैं तो विघटन होता है, बनता है N2H2। तो साम्य अवस्था कब होगी, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की दर बैकवर्ड रिएक्शन की दर के बराबर हो जाएगी। और फॉरवर्ड में कौन सी रिएक्शन हो रही है सर, संयोजन, फॉरवर्ड में हो रहा है संयोजन। और बैकवर्ड में क्या हो रहा है सर, इसमें हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे विघटन। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सर दोनों तरफ की अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी, तब हमारा आ जाएगा साम्य अवस्था। तो इस अभिक्रिया में फॉरवर्ड में हो रहा है संयोजन, बैकवर्ड में हो रहा है विघटन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट हो गया है बैकवर्ड, अर्थात स्थापित हो गई है साम्य अवस्था। क्या ये आपको क्लियर है? तो बच्चों आज हमने देखा साम्य अवस्था क्या होती है, कहाँ आती है। तो साम्य अवस्था सर हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में नहीं आएगी। सर कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आएगी, तो बच्चों दोनों उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आएगी, चाहे भौतिक आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो या फिर आपकी रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो। तो क्लियर हुआ आपको, तो ये कहलाती है साम्य अवस्था। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।